Hi friend, this is your Vijay Kushagra and you're watching आपका अपना favorite वाला show यानी कि City Trends only on Hathway BTV UA क्योंकि ये ज़माना है with the stylish and the music lover youngsters का. Guys, जैसे कि आज का जो आप देख ही रहे हैं special the segment है जिसमें मैं आपको एक music के बारे में knowledge देने वाला हूँ, musical instruments के बारे में, क्योंकि जब तक musical instruments जो होते हैं वो जब तक नहीं आते हैं हमारे सामने तब तक music अधूरा रहता है, क्योंकि अगर कोई playback singer भी ये सब गाना गाए तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना पूरे म्यूज़िक सिस्टम के साथ जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसके साथ जब हम सुनते हैं लाइव परफॉर्मेंस तो उसका एक अलग ही मज़ा है. तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ अबाउट गिटार्स, अबाउट ड्रम्स, अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. एंड मैं उनसे भी बात करने वाला हूँ जिन्होंने आई थिंक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है. जैसे कि आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास एंड वो स्पेशली गिटारिस्ट हैं, उनसे तो मैं मिलवाने वाला ही हूँ. बट आज मैं मिलवाऊंगा आपको कुछ ऐसे यंगस्टर्स से जो म्यूज़िक के लिए टोटली डेडिकेटेड हैं. एंड सबसे पहले मैं इनसे मिलवाना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और वेलकम करना चाहूंगा हमारे शो में. हाय, मायसेल्फ ओशो पचोली. एंड जस्ट टेल मी कि जैसे मैं देख ही रहा हूँ ये सीरियसली बहुत अच्छा गिटार प्ले कर रहे हैं. एंड जब बात करें इस गिटार का जो आर्ट है उसको यहाँ तक इस लेवल तक लाने में आपको कितना टाइम लगा? मुझे एक्चुअली में अभी 3 महीने ही हुए आएंगे. 3 महीने में इजीली आप स्ट्रिंग्स बजा रहे हैं, एक ट्यून होती है जो इतनी सूद कर रही है हमारी कानों को. एक बार आप एक स्ट्रिंग एक कोई सा भी ट्यून आपका फेवरेट ट्यून आप हमें प्ले करके बताएं. ओके. सीरियसली बहुत अच्छा था. एक्चुअली वीर म्यूज़िक का एक बहुत प्यारा सा सेगमेंट था इस म्यूज़िक में जो हमने अभी सुना. वीर म्यूज़िक का इन्होंने एक सॉन्ग प्ले किया और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर म्यूज़िक सीख रहे हैं. मतलब जो डेडिकेशन है बहुत ही भर भर के आया है यहाँ पर. जैसे अब मैं इनसे मिलवाने वाला हूँ, सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ हमारे शो में. व्हाट्स योर नेम? सौम्या. एंड सौम्या, जब हम बात करते हैं म्यूज़िक की तो म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया? मेरे को पसंद है म्यूज़िक मेनली. जैसे कि देख रहा हूँ कि आप गिटार प्ले कर रहे हैं, आपको कितना टाइम हो गया सीखते हुए? मेरे को अभी ये सेकेंड मंथ चल रहा है तो ओके. एंड सबसे ज़्यादा आपको फेवरेट म्यूजिशियन कौन है आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री में? कोई सिंगर है जिसको जिससे आप इंस्पायर हुई हैं? हनी सिंह. हनी सिंह बहुत पसंद है यार, यंगस्टर्स में क्रेज़ चल गया हनी सिंह का. तो ये तो बात हो गई हमारे यंगस्टर्स से जो यहाँ पर म्यूज़िक सीख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर उनका सेगमेंट मिस नहीं कर सकता. जैसे कि मैं देख ही रहा हूँ कि बहुत अच्छा गिटार कर रही हैं, तो आप अपना जो बेसिक लेवल का जो भी आप ट्रेनिंग ले रही हैं उसका एक कोई सी भी ट्यून मुझे एक बार सुना सकती हैं आप? हाँ. ओके. जैसे कि देखा है आपने कि स्ट्रिंग्स बिल्कुल बिना देखे प्ले कर रही है. विद इन आई थिंक 1.5 मंथ में इन्होंने इनकी ट्रेनिंग हुई है, अभी स्टार्ट ही हुई है. एंड शी इज़ प्लेइंग द कॉर्ड्स विदाउट सीइंग इट, इट्स वेरी गुड. एंड अब चलते हैं इनके मेंटोर के पास जिन्होंने इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है. एंड बेसिकली जब बात हो मेंटोर की तो वो सीरियसली बहुत बड़े वाले म्यूज़िक लवर हैं, पैशनेट आदमी हैं जैसे हम कह सकते हैं अबाउट म्यूज़िक. तो चलते हैं उनके मेंटोर के पास. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अब इनके मेंटोर से यानी कि इनके टीचर से जो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं म्यूज़िक की. जब म्यूज़िक की बात आती है तो एक सच्चा और एक डेडिकेटेड टीचर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बिना डेडिकेशन के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये बात तो प्रूव्ड है. तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर विनोद गोलचा जी का हमारे शो में, जिन्होंने आई थिंक काफ़ी सारे यंगस्टर्स को म्यूज़िक के लिए बहुत काफ़ी टाइम से गाइडेंस देते आ रहे हैं. तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ. हेलो. पहले के ज़माने में जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनकी तरफ जो इंटरेस्ट था लोगों का पहले के ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे यंगस्टर्स का ध्यान वेस्टर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी तरफ जा रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली?
देखिए, परिवर्तन जो है ये इस दुनिया का नियम है। पहले हमारे यहाँ पे जो वाद्य उपलब्ध हुआ करते थे, जो म्यूज़िक की स्टाइल थी, वो क्लासिकल बेस थी। इसी वजह से क्लासिकल म्यूज़िक तब प्रचलित था और साज भी हमें उसी हिसाब से तब अवेलेबल हुआ करते थे। धीरे धीरे जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और क्लासिकल स्टाइल का सिंगिंग या प्लेइंग जो रहा है, उससे लोगों का ध्यान काफ़ी हद तक हटा है या कम हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। क्लासिकल म्यूज़िक में रियाज बहुत होती है और प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। आज की जनरेशन में इतना पेशेंस नहीं है, वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी किसी चीज़ का रिजल्ट मिले, और यही वजह है कि वो वेस्टर्न की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द कोई चीज़ प्राप्त कर लें। यही वजह है कि क्लासिकल की तरफ से हम थोड़ा वेस्टर्न की तरफ हम आ गए हैं, और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में भी जैसे गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया, ड्रम हो गया, ऑक्टोपेड, इसके तरफ ज़्यादा आज की जनरेशन अट्रैक्ट है। तो सर कहना चाहते हैं कि जब पुराने जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रियाज की ज़रूरत पड़ती थी, एक टाइम ऑफ लंबे टाइम ऑफ स्पैन के बाद उसे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही रिजल्ट मिलता था, लेकिन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो है आजकल काफ़ी ईजी कर दिया है उन्होंने म्यूज़िक को। बट जब बात हो हमारी म्यूज़िक की, तो सर आपको म्यूज़िक का शौक कब से हुआ सर? मुझे बचपन से ही था। बचपन से, इन द सेंस आप किसको देख के इंस्पायर्ड हुए थे? कभी ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ का जब आपने पहली बार म्यूज़िक को फील करा और आपको लगा कि नहीं, आई शुड गो इन दिस फील्ड? देखिए, मैं काफ़ी छोटा था, यूँ कहें 7 साल का था, तब एक म्यूज़िकल शो सुना था और मुझे उस समय पता नहीं था कि किस इंस्ट्रूमेंट को किस नाम से जाना जाता है, और मैंने पता किया, वो जो मुझे वॉइस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, जब मैंने पता किया कि ये जो बज रहा है इसका नाम क्या है, तो मुझे बताया गया कि ये गिटार है। तो बचपन में सोचा था कि यार गिटार हम बजाएंगे, गिटार सीखेंगे, तो वही है कि आज थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ, और फिर बिजनेस भी मैंने उसी का किया है, और आज यहाँ पे जिंगल बेल्स के नाम से मेरी अपरो टावर में शॉप है, सिखाता भी हूँ यहाँ पे, और शॉप है ही। आज जब बात करें तो ये कभी आपको पेरेंट्स ने ऐसा नहीं कहा कि तब इतने ज़माने में आर्ट को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था, डॉक्टर इंजीनियर सिर्फ पढ़ाई वाली फील्ड में बच्चों को आगे बढ़ाने की सोचते थे, तो कभी आपके साथ ये नहीं हो कि पेरेंट्स ने आपको मना किया और रिस्ट्रिक्ट किया हो कि म्यूज़िक की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट मत हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। घर वालों ने कभी इस चीज़ को लेकर स्वीकृति नहीं दी कि आप संगीत में अपना करियर बनाएं या म्यूज़िक में जाएं, वो चाहते थे कि अगर भाई आप म्यूज़िक करना है तो म्यूज़िक को एज ए हॉबी रखें आप, लेकिन हॉबी रखने से आप उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। हॉबी वाले जितने भी होते हैं वो ठीक है, थोड़ा बहुत अपना प्ले कर लेते हैं, बाकी पूर्णता नहीं आती। खैर, पूर्ण तो कोई होता नहीं है, फिर भी आप उसको कहते हैं कि आपको विशेष योग्यता उसमें पाने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, और यही वजह है कि फिर आपको या तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं या ये बन जाएं। ये तो बिल्कुल सही बात है, डेडिकेशन तो हर चीज़ में चाहिए। एंड सर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ म्यूज़िक? म्यूज़िक क्या है, कुछ बोलता है कोई, सबकी जगह अलग अलग डेफिनेशन है। जब खुद म्यूज़िक को फील करते हैं तो वो एक अलग ही इफेक्ट आता है, आपके अकॉर्डिंग म्यूज़िक क्या है? देखिए, म्यूज़िक की हम देखें तो परिभाषा वैसे तो मुझे नहीं मालूम क्या है, बाकी म्यूज़िक में वो बात है जिसको कहना चाहिए संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, और इसका हम जो एक प्ले करने से या गाने से या उसमें डूबने से जो मिलती है, वो शायद मुझे नहीं मालूम कि किसी और में होती है, यही सेटिस्फेक्शन आपको इसके प्रति प्रेरित करता है। जितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, ड्रम्स हैं यहाँ पर, गिटार हैं, और इतने डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो सर सबसे ज़्यादा आपका दिख ही रहा है कि आपका शौक ज़्यादा गिटार की तरफ रहा है, तो गिटार बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? गिटार यूँ तो कहा जाए तो 3 टाइप के गिटार होते हैं। हवाईन गिटार होता है, एक बास गिटार होता है, और एक स्पेनिश गिटार होता है। जो अभी हमने अभी देख रहे थे, हम जो बच्चे प्ले कर रहे थे यहाँ पर, उन्होंने कौन सा गिटार हाथ में ले रखा था? ये सब जो बजा रहे हैं ये स्पेनिश गिटार है। स्पेनिश गिटार। एंड जब बात होती है बेस गिटार की एंड हवाइन गिटार की, तो उनकी क्या स्पेशलिटी होती है? देखिए, बास गिटार जो होता है
वो एक सपोर्टर होता है जो लोअर फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। बास गिटार पे इंडिविजुअल आप कोई गाना या कुछ ऐसा बजा नहीं सकते, वो आपको स्पेनिश गिटार या म्यूजिक को पीछे से लोअर फ्रिक्वेंसी वाला सपोर्ट देता है। एंड हवाइन गिटार की क्या स्पेशलिटी है? हवाइन गिटार जैसे ये जो स्पेनिश गिटार होता है, ये हम बजाते हैं उंगलियों से, लेफ्ट हैंड की या राइट हैंड जो भी है वो उंगलियों से बजाते हैं, और हवाइन गिटार को हम रॉड से बजाते हैं। पहला अंतर तो ये रहा कि उसको रॉड से बजाते हैं, मेटल की रॉड होती है उसकी। जो हवाइन गिटार जब बजाते हैं तो उसकी सस्टेन बहुत देर तक बनी रहती है, जबकि इसके जो नोट्स हैं जब बजाते हैं तो एक लिमिटेड पीरियड के बाद इसकी सस्टेन ख़त्म हो जाती है, जो कि हवाइन गिटार में काफ़ी देर तक बनी रहती है। जैसा कि अलग अलग चीज़ें होती है कि ड्रम से बेसिकली बीट्स बनती है, एक दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें बीट्स बनती है, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से जो एक से ताल एक से सुर निकलता है। तो जब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो जब ताल के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो सुर हैं उनके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, आप थोड़ा गाइड करेंगे हमारे यंगस्टर्स को? देखिए, ताल वाद्य में दो चीज़ें होती है, एक सुर, संगीत जो बना है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, सुर और ताल। सुर एक अलग है जिसमें से आप मेलोडी या स्वर पैदा करते हैं, और ताल जो है, ताल से हम बीट्स रिदम ये पैदा करते हैं। ताल वाद्य में आपका तबला आ गया है, ढोलक आ गई है, मृदंग आ गई है, पखावज आ गई है, कोंगो बोंगो ड्रम ऑक्टोपेड, आजकल ये एक नया इंस्ट्रूमेंट चला है डीजेम्बे, ये सब चीज़ें ताल वाद्य परकशंस में आती है। और जो स्वर पैदा करते हैं वो वायलिन हो गया, हारमोनियम हो गया, अकॉर्डियन हो गया, सैक्सोफोन हो गया, फ्लूट हो गया, सारंगी हो गया, गिटार हो गया, मैंडोलिन हो गया इत्यादि, ये सब चीज़ें हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके स्वर वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जब बात हो, आपको सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपको ट्रेनिंग किसने दी, आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किससे हुए कि हाँ मुझे इस बंदे को फॉलो करना है, जो भी एक लेजेंड टाइप्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में गाइड करते हैं, आपकी लाइफ में कौन था ऐसा? मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, सिखाया है, वो मेरे गुरु हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको सुनने के बाद, उनसे मिलने के बाद मुझे लगता था कि यार इनके लेवल पे तो नहीं, इनके अगर समकक्ष भी हम पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा जब डेडिकेशन सही रहता है तो एक डेडिकेटेड टीचर भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे सुर और ताल दोनों बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, वही जिसकी आप बात कर रहे थे, वही जो मैं बजाता हूँ, गिटार। ओके, तो गिटार जो ऐसा है जिससे सुर और ताल दोनों निकलते हैं। एंड अब टाइम हो गया है कुछ सुनने का, यानी इनके मेंटोर से कुछ जुगलबंदी हो जाए, कुछ एकदम मेलोडियस सा सुनते हैं इनके मेंटोर से। मतलब इतना अच्छा बजाया इन्होंने, मतलब सीरियसली इतना फास्ट जो ट्रैक होता है, मतलब मैं तो इवन आई कांट इमेजिन कि मेरी फिंगर्स कभी इतनी तेज़ चल भी सकती है गिटार पे। तो आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम देम कि यार कैसे कर लेते, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो सर, जैसे कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं, मेनली यंगस्टर बेस्ड चैनल हैं, सब लोग देखते हैं इसे, तो जो म्यूज़िक लवर यंगस्टर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि प्रैक्टिस खूब करो, अच्छा कलाकार बनना है, जल्दी नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखिए, और जितना पेशेंस रखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। ये तो ट्रू है कि जब तक 100% प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गाइज, जैसे कि आपने सुना यहाँ के मेंटोर को कि कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने बजाया, और एक मैसेज भी दिया हम सबको कि जब भी अगर किसी चीज़ में आपको परफेक्शन चाहिए तो आप डेडिकेशन पूरा दीजिए, 100% डेडिकेशन दीजिए, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी उस स्किल को, तभी आप परफेक्शन पा पाएंगे। और इस नोट पर अब मेरा जाने का टाइम हो गया, यानी कि मैं आपका विजय कुशाग्र टेलिंग यू टाटा एंड बाय बाय विद कैमरा पर्सन महेश सेंगर।
और मुझे फीडबैक दीजिए feedbackyuva@gmail.com पर। और जैसा कि ये सेगमेंट था म्यूजिक लवर यंगस्टर्स के लिए, तो मुझे फीडबैक दीजिए और तब तक कहीं ना जाइए, देखते रहिए हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना वी द यंगस्टर्स का। We'll be right back.